हम बात करेंगे 498A के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारे ऊपर 498A की FIR हो गई है, आप करें तो क्या करें, बहुत सारा पैसा मांग रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसा मन करता है कि कहीं चले जाए, संसार को छोड़ दे, बहुत ज्यादा परेशान है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ऐसा ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का और जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट का बहुत ही अच्छा जजमेंट पतियों के लिए आया है। तो वो क्या है ये आपको जरूर बताएंगे हम, और किस तरह से आपके लिए फायदेमंद है अगर आपके ऊपर भी 498A की FIR हो गई है, या आपको लग रहा है आपकी पत्नी आपके ऊपर करने वाली है, तो दोनों ही तरीके से आपको ये जजमेंट फायदेमंद होगा। और अगर आपका केस चल रहा है तो भी ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, यानी कि हर तरह से जिससे भी आप रिलेटेड हैं 498A से, तो आपके लिए जजमेंट बहुत ही जरूरी है जानना। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी कितने केसेस 498A के केसेस ऐसे चल रहे हैं जो फाल्स है। मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल कानून और सुरक्षा में। आज आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में जिसमें खुलकर कहा गया है कि 498A की FIR दर्ज ही नहीं होगी, और अगर होगी तो उससे पहले जो है क्वारी होगी कि वास्तव में ये जो बातें कही गई हैं ये सच है या नहीं है, और लगता है कि ये सच है तो FIR दर्ज होगी, और लगता है कि ये सच नहीं है तो FIR दर्ज नहीं होगी, यानी कि पहले FIR से पहले क्वारी होगी। ये जो गाइडलाइन है वो सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी के जजमेंट में कही थी और बताई थी, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट जजमेंट 2023 का भी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें इससे संबंधित ही ये बातें कही गई हैं। ये जो जजमेंट है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट का है 2023 का, जो केस है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके द्वारा आप जांच ले सकते हैं कि कौन सा केस था, आपको पता चल जाएगा 2023 का केस है, इसलिए आपके लिए तो बहुत ही जरूरी है, लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में भी महिला के 498A की FIR को क्वेश्चन कर दिया जाता है, और ललिता कुमारी का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, जिसने जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस के अंदर गाइडलाइन दी थी 498 से संबंधित, उसको क्वार्टर किया जाता है, यानी कोर्ट किया जाता है, और इसमें भी कहा जाता है कि बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के कोई भी FIR 498A के तहत जो है दर्ज नहीं की जाएगी, यानी कि 498A से पहले पहले प्राइमरी इंक्वायरी होगी, यानी कि पहले उसकी जांच होगी कि ये जो FIR कही गई है या बताई गई है ये सच में वास्तव में सही है या नहीं, ये जो बातें हैं वो सही है या नहीं है। अब यहाँ पर इस केस में कुछ पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं, ध्यान से सुना, आपके केस में बहुत काम आ सकते हैं। लड़की ने FIR खुद ना करके अपने पिता से FIR करवाई थी, यानी कि जो कंटेंट्स थे जो इस FIR में करवाए गए थे, लिखवाए गए थे, वो सुने सुनाए थे, और जो FIR थी वो बहुत दिनों के बाद करवाई गई थी, यानी कि बहुत ही डिले था FIR में, और डिले का कोई रिजनेबल रीजन भी नहीं था, यानी कि कोई सही कारण वो नहीं बता पाए थे, और जो क्रुएल्टी थी क्रुएल्टी का भी कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं था। तो हाईकोर्ट ने इसमें कहा कि जो FIR की गई है, लिखी गई है, उससे पहले कोई अग्रिम इंक्वायरी, यानी कि पहले कोई क्वायरी नहीं की गई थी, प्राइमरी इंक्वायरी नहीं हुई थी, इस वजह से मौजूदा 498A की FIR को रद्द किया जाता है। देखिए, अगर आपके खिलाफ भी 498A की FIR दर्ज हो चुकी है और उसमें भी प्राइमरी इंक्वायरी नहीं हुई है, यानी कि पहले कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, तो आप भी अपनी FIR को रद्द करवा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो आपको केस जो है मैंने पहले स्क्रीन पर दिखा दिया है, उस केस का आप पूरी तरह से सहारा ले सकते हैं अपने जो FIR को क्वेश्चन करवाने में। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम पूरा पूरा सहयोग करने की आपकी कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।